ही भगवान राम का जीवन आदर्श माना जाता है और राम कथा के जो पात्र हैं उसमें बड़े आदर्श पात्र हैं, उसमें हर प्रकार की शिक्षा निहित है। इसलिए विद्यार्थियों को सब तरह की शिक्षा मिले और असली जीवन की शिक्षा मिले। आज देखिए, आप देखिए कि छोटी छोटी पोस्ट के लिए कितनी मारामारी होती है, लेकिन राम कथा में देखिए कि उनके पिताजी ने भरत को राज्य दिया था और राम को वनवास दिया था, लेकिन भरत राज्य को ठुकरा करके राम मेरे भाई बड़े भाई को ही ये राज्य मिलना चाहिए, इसके लिए वो चित्रकूट जाते हैं। राम कहते हैं नहीं तुम राज्य करो, भरत कहते हैं नहीं मेरा अधिकार नहीं है, आप राज्य करें। अंत में जो है तो रामचंद्र जी इस बात के लिए मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अभी समाज का काम करना है, इसलिए मेरे प्रतिनिधि के रूप में और तुम्हें इस काम को करना है, और संकट के समय छोटा भाई काम आता है। तो भाई भाई के बीच का क्या रिश्ता होता है, सामाजिक मर्यादाएं क्या होती हैं, कठिन परिश्रम कैसे किया जाता है, 12 वर्ष वनवास में रह करके और वनवासी राम हो करके और इतना बड़ा समाज का काम करते हैं, बड़े बड़े दुष्टों का संहार करते हैं, इस बात की शिक्षा पूरी भारतीय संस्कृति हमारी क्या है, पारिवारिक जीवन क्या है, सब बात की शिक्षा ये राम कथा में मिलती है। गुरु के घर में कैसे पढ़ाई की जाती है, गुरुकुल में पढ़ाई कैसे की जाती है, इस बात की शिक्षा मिलती है। सर, ये राम कथा शैक्षणिक उत्थान में कितना कारगर साबित